धरने पे बैठे तो उनका रोजगार खत्म हो रहा है, उनके लिए रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं है, लोग उसके ऊपर भी निर्भर थे, लेकिन अचानक बंद किया उसका जो तो प्रोसीजर था वो नहीं, कुछ नहीं, एकदम यानी डायरेक्ट बंद किया उन्होंने। जैसे गवर्नमेंट आ गई तो बोल दिया कि बंद करो इसका, यानी जो लीगली वो बंद कर, अनलीगली जो तो बंद करना चाहिए, लीगली है, बहुत सारे लोग जो तो उसके ऊपर निर्भर थे लेकिन उनका रोजी रोटी बंद किया, इसलिए धरने के लिए बैठ चुके हैं। तो प्रशासन को तो हम ये कहेंगे कि भाई जो है सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सबके साथ जो तो जाति धर्म का व्यवहार ना करे, सबके साथ न्याय का काम करे, जाति धर्म का काम ना करे, यही संदेश देंगे हम उनको। बिल्कुल, प्रशासन जो है यहाँ पे अपना सही मुद्दा उठा रही है, क्योंकि इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब कि देखा जाए तो कुछ जो हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी होता है। ऐसा नहीं हर चीज़ एक ही समुदाय के लिए किया जाए, ऐसा नहीं। मैं तो इसका विरोधी हूँ, मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल 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 सही कर रहे हैं कि प्रशासन को मैं तो मैसेज करूँगा कि ऐसे लगे रहो, इससे अच्छा भी काम करो, पूरे यूपी से बूचड़खाना बंद करवा दो, पूरे यूपी से क्या पूरे भारत से बंद करवा दो। एक्चुअली वो गलत है, होना नहीं चाहिए। देखो हर एक को खाने का तो है ही है, किसको भी, आपको भी खाना है, हमको भी खाना, जो खाने का जो खाता है वो उसके लिए क्या है, उसको तो गौ मांस वगैरह ऐसा कुछ पड़ी नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए वो भी अच्छा ही है देखा जाएगा तो। बोल नहीं सकते ऐसा, भावना भी सबकी दुख जाएगी ना, दर्द तो सबको होने वाला है।